ये लीजिए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने फेसबुक पेज राजस्थान कबड्डी अड्डा पर। इस समय फाइनल मैच की टॉस हो चुकी है। टॉस विजेता सीकर चॉइस कोट, बिल्कुल जो पहली रेड है वो किरोड़ी की टीम है, उसने चूरू के नाम से एंट्री करवा दी है, स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर कर लिया है। बारह दो बारह का ये मुकाबला, टीम कैप्टन दो अभी नाम लेके गए हैं, उनके मेडल रह गए भाई साहब। टीम कैप्टन थर्ड और फोर्थ के टीम कैप्टन दोबारा एक बार अपने मेडल है, वो मेडल लेके जाए हुए वो याद नहीं रहे। बिल्कुल सभी साथी इस मुकाबले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते भाई। बिल्कुल फाइनल मैच शुरू हो चुका है, किरोड़ी हरियाणा वर्सेज सीकर के बीच ये मुकाबला। बिल्कुल दोनों टीमें कोर्ट इन हो चुकी है, ठोस हो चुकी है मुकाबले की, और अब कुछ ही देर में बिल्कुल मुकाबला शुरू होने वाला है। ये टीम सीकर जिसने सभी को चौंकाया है अभी तक के मुकाबलों में, शानदार तरीके से खेल प्रदर्शन करके। राजीव जी, मोयल, कादुराम यादव, ओम जाट, सभी का हार्दिक स्वागत है इस लाइव सेशन में। बिल्कुल, और जो भी साथी लाइव में जुड़ रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। बाकी सभी बाहर हो जा रहे ग्राउंड से, फोर्थ में दो दोनों ऊंट वालिया चूरू के नाम से अब एंट्री करवा दी है टीम किरोड़ी हिसार ने, क्योंकि अभी उनको भाई स्पॉन्सर मिल गए हैं। एक मिनट का टाइम दीजिए पवन जी, एक मिनट का टाइम। ये फाइनल में चूरू वर्सेज सीकर के बीच में होने जा रहा है, इस टूर्नामेंट का लास्ट मैच है ये फाइनल मैच। देखते हैं कौन इस टूर्नामेंट में नंबर वन पे विजेता रहते हैं। सभी शुरू करवाइए, और ये बिल्कुल मुकाबला शुरू हो चुका है। रेड पर विक्की है हरियाणा की ओर से, पहली ही रेड में ऊंट वालिया चूरू, ऊंट वालिया चूरू है सर जी, ऊंट वालिया चूरू वर्सेज सीकर। किरोड़ी विन द मैच, राजीव मोयल, बिल्कुल दीपक अग्रवाल, सीकर विंदरोगी, राकेश सिंह राठौड़, राम राम भाई, राम राम राजीव जी। बोनस पॉइंट अपना खाता खोलते हुए, और यह सीकर के द्वारा रेड जर्सी नंबर 4 में, ये इस टूर्नामेंट का लास्ट मैच है। कौन नंबर वन एंकल होल्ड के रूप में अपने जीत दर्ज करवाते हैं। बिल्कुल एक पॉइंट किरोड़ी के खाते में। सर्ची नंबर 11 में नवीन एक्सप्रेस हर रेड पे पॉइंट लेके आए, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। फाइनल मुकाबला 41,000 और 21,000 रुपए की जंग अब जुड़ चुकी है, जो हमारे प्रो कबड्डी में अभी चले हैं। स्कोर 3 के मुकाबले 0। मैं हमारे जो कोट खुर्द के जो महानुभाव व्यक्ति जो हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं उनसे एक संदेश देना चाहता हूँ। रणवीर सिंह जी सरपंच कोट खुर्द, हेतराम जी जांगीर, तेजवीर सिंह जी, सोनू जी, पृथ्वी सिंह जी ओला, पूर्णमल जी जांगीर, बाबा करण सिंह दास जी, मुकुट सिंह जी, ये सभी यही है, इनको इनाम वितरित करनी है टीमों को। जो फर्स्ट और सेकंड ये जो टीमें रहेंगी इनमें से, जो उनको सभी को शामिल होकर इनको, और ये रेड करते हैं सीकर की तरफ से। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा हमारे इस ग्राउंड के प्रो कबड्डी ग्राउंड के ऊपर, बाबा मदननाथ टूर्नामेंट जो अभी लास्ट मैच यहाँ पर अभी फाइनल मैच खेले जा रहा है, और बहुत ही बढ़िया 2 पॉइंट
चोरों के खाते में ऊटने वाले चोर, अभी एक नाम लिखवाया था पूरा लिया ही नहीं जाता, पता नहीं कैसे बता के गया था ऊटने वाली चोरू है क्या है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा, ऊट वालिया और ये स्कोर 2-6 का, 2 चोरू और 2 शिकर, कोई खास फर्क नहीं है दोनों टीमों के बीच में स्कोर का। अभी तो बहुत खेल बाकी पड़ा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन इस टूर्नामेंट में विजेता रहेगा। एक और अंक बिल्कुल 1 पॉइंट चोरू के खाते में जाते हुए 7 का स्कोर टोटल। ऊट वालिया चोरू शिकर के रनर के द्वारा ऊट वालिया चोरू के ग्राउंड में रेड करते हुए बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है भाई। नंबर 12 7 के मुकाबले 2 स्कोर है। किरोड़ी की टीम ने चोरू के नाम से भी एंट्री करवा दिया। नसीर जसलेरा नमस्ते भाई, नमस्ते। काफी साथी अपने साथ जुड़ चुके हैं, भुवनेश्वर गौड़ और ये यहाँ पे बिल्कुल फाइव सुपर रन हो सकती है। 5 पॉइंट सुपर रन, बिल्कुल 5 अंक बिल्कुल जुड़े टीम चोरू के खाते में पहली सुपर रन, इसको सुपर रेड बोलते हैं। 2 से ऊपर अगर पॉइंट लेके आएगा तो वो हमारे प्रो कबड्डी में सुपर, और इस बार 2 अंक बिल्कुल जुड़े टीम। 2 पॉइंट शिखर के खाते में, शिखर के हिस्से में। कैमरामैन से मैं कह रहा था वो थोड़ा घूमता रहे कैमरामैन, करम बॉल उठ जाके थोड़ा सा साइड में। 1 पॉइंट और चोरू के खाते में 4, 13 ऊट वालिया का स्कोर और 4 शिखर। अगर शिखर को एक नंबर पे अपना नाम दर्ज करवाना है तो बहुत ही सूझबूझ से खेलना होगा। एक ही खिलाड़ी, एक ही टीम के खिलाड़ी हैं ये सभी, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही अकेडमी से भी लोग करते हैं, कुछ लगता है हमें। वन पॉइंट चोरू के खाते में, चोरू और शिखर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा। हमारे बीच में ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है शिखर और ऊट वालिया चोरू के बीच में। देखते हैं कौन अपने खाते में इस टूर्नामेंट की नंबर 1 जीत दर्ज करवाते हैं। बोनस पॉइंट चोरू के खाते में जुड़ा। कुल स्कोर 15, 15 के मुकाबले 7 स्कोर है। कुल स्कोर 15 और 7 शिखर 8 अंकों का फासले से खेल रहे हैं और ये रेडर आउट। 16 अंक, 1 अंक की और बढ़ोतरी। ऊट वाले चोरों ने नवीन कुमार जर्सी नंबर 11 अपनी टीम के बेस्ट रेडर, अभी तक ये खाली नहीं गए हैं, पॉइंट लेके गए हैं, एक तो पक्का ही है। और ये देखते हैं रेफरी क्या डिसीजन लेते हैं। 2 पॉइंट और बिल्कुल 2 और पॉइंट जुड़ गए। समय टीम स्कोर अभी ऊट वालिया चोरू के टीमों के बीच में, ऊट वालिया चोरू 7 स्कोर, 18 शिखर 7 और ये एक नंबर ऑल के खाते में टोटल स्कोर 19 का शिखर का 7। अंटू कुमार हाई हेलो, बिल्कुल इसमें टाइम आउट लिया गया है, रुका हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा ग्राउंड के ऊपर, प्रो कबड्डी के इस बाबा मदन्ना टूर्नामेंट ग्राउंड के ऊपर। हम सभी बाहर से आए हुए खिलाड़ियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर वो अपने प्रदर्शन के साथ यहाँ पर पहुंचे। हार जीत तय होती है, अगर 2 लड़ेंगे उनमें 1 तो हारेगा, लेकिन आपका हौसला भी तो बढ़ता है। और ये
सुपर टोटल था 2.9 शिखर भाई स्कोर 2.2 रन के खाते में। 19 उडवालिया चूरू का स्कोर है और ये शायद 20 हो गया लगता है। कॉमन पॉइंट बोनस पॉइंट शिखर को और रेड आउट 20-10 का स्कोर। उठवालिया चोरू स्कोर 21 10 शिखर 11 अंकों से फासला। अगर शिखर को नंबर वन पर टूर्नामेंट में आना है तो बहुत ही शुद्ध बूझ और जोश और होश से खेलना पड़ेगा। बोनस पॉइंट शिखर के खाते में। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा। टीम का प्रदर्शन दोनों टीमों का प्रदर्शन देख के बाहर जो दर्शक बैठे वो कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि आप और जो पीछे मैच खेले इन खिलाड़ियों ने उनका रुतबा ही अलग था। तो हम कहना नहीं चाहेंगे लेकिन हम आपके जरूर बताएंगे अगर ये महसूस हो गया तो दोनों टीमों को इनाम से वंचित रखा जाएगा। आप समझदार हो, हमेशा खेलते हो ग्राउंड के ऊपर। वन टेक्निकल पॉइंट बहुत ही बढ़िया मैच इनके द्वारा अभी खेला जा रहा है, लेकिन कहां सबकी आशंकाएं हैं हमारे दर्शकों के बीच में कमेटी के बीच में, तो वो इनको खत्म करने होंगे। मैं दोनों टीम के दो खिलाड़ी हैं। फाइनल मैच क्या होता है? फाइनल मैच होता है करो या मरो की लड़ाई। दर्शकों के अंदर जोश होना चाहिए, हर दर्शक के अंदर जोश होता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं हमें इन दोनों टीमों के बीच में। तो कहीं ना कहीं हमें शक है, जैसे क्रिकेट का मैच फिक्स होता है वैसे इस मैच को इन खिलाड़ियों ने फिक्स तो नहीं बना दिया है। जो पीछे मैच खेले हैं सेमीफाइनल पहले राउंड के सेकंड राउंड के और मैचों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिला था। हम इनाम नहीं देंगे, फैसला ले लिया कमेटी ने। अगर फिक्स मैच करके खेलते हो तो कौन सी भी टीम को इनाम नहीं दिया जाएगा कमेटी की तरफ से। अरे हम नहीं करें फिक्स है, आप हमें मत बताओ, आप अपना जो तजुर्बा है वो दिखाइए। मैं जो पहले खेल के गए हो आप खेलों में, पहले आपने जो दिखाया है जो अगर आपने पहले थी वो आप नहीं देखने को मिल रही तो अंदाजा लगा रहे हम कह थोड़ी रहे फिक्स है। बराबरी करके दिखाइए तब हमें पता चलेगा कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है। फाइनल किसका होता है? पूरे टूर्नामेंट को चीर के आती है दोनों टीमें तभी फाइनल में पहुंचते हैं। बिल्कुल रेड आउट और एक पॉइंट और फिर से जुड़ता हुआ इस समय टीम। स्कोर अभी स्कोर बोर्ड से थोड़ा के पीछे भी हुई कैमरामैन। चोरू का स्कोर अभी 38-13, बहुत फासला हुआ है दोनों टीमों के बीच में स्कोर का। ये वो टीमें हैं जो पीछे मैच में टक्कर थी इन खिलाड़ियों की, जो इतनी जोश था इनके अंदर, इतना गुस्सा था और अभी ये पूरे टूर्नामेंट को चीर के इन्होंने फाइनल में अपना नाम दर्ज करवाया है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा। कमेटी को कहीं न कहीं शंकाएं हैं, वो
विचार विमर्श कर रही है दोनों टीमों के बारे में, क्या डिसीजन लेते हैं, आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए। अगर खिलाड़ी ऐसा करेंगे ग्राउंड के ऊपर तो दर्शकों की जो उम्मीदें हैं, जो दर्शक सुबह से यहाँ पर सर्दी में बैठे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपके दिमाग में ये चीज है। फाइनल मैच के लिए पूरे टूर्नामेंट को खिलाड़ी चीर के आते हैं, तब वो फाइनल में पहुंचते हैं। फाइनल का मैच का टक्कर की कटे की टक्कर होनी चाहिए। वन पॉइंट का स्कोर हो गया है उत्तरवाई चूरू हेगल और शिखर का 13-14। रात दिन का फर्क हो गया है अभी जो स्कोर क्रमबाउंड पे जो आप देख रहे हैं सभी दर्शक, ये वो खिलाड़ी है जो पीछे खेल के गए हैं और फाइनल तक पहुंचे हैं। कमेटी फैसला लेने में लगी हुई है, अब क्या फैसला लेती है टीमों के बारे में, इनाम के बारे में। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं और ये हाफ टाइम का समय होता है, हाफ टाइम का समय 14 के मुकाबले 33-14 बिल्कुल। अब सेकंड हाफ का खेल बाकी है, देखते हैं कौन सी टीम किस प्रकार का खेल प्रदर्शन करती है सेकंड हाफ के खेल में। विकी विकी दर्शक पूछ रहे हैं क्या मैच फिक्स है? ना ना फिक्स को नहीं, सही बताओ। हाँ जी, आपको क्या लगता है मैच फिक्स है? ऐसे दर्शक कमेंट करें। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो जी, थर्ड फोर्थ वाला काम है वो इंटरेस्ट नहीं सारे मैच एक काम कर ले, एक दर्शक जो कुछ नहीं है आप तीन दिन से यहाँ टूर्नामेंट में आप अपना प्रदर्शन कर रहे हो, छोड़ो मेरे आप कसम बैठाओ, हम ये कह रहे हैं आप तीन दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका खेल हमने देखा है दोनों टीमों का, यहाँ पर और जो हमारे पास लाइन की है वो उनको आपके साथ में खिला देंगे, दोबारा निर्णय ले लेंगे। कसम खाने की थोड़ी है शक्का है कसम क्यों माने चार और 21,000 रुपए का है फाइनल मैच। हाँ जी प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुकाबले के बारे में? हम अपनी राय नहीं देंगे, आप बताओ थोड़े बहुत 50 दर्शक अभी देख रहे हैं। कमेटी निर्णय लेगा, मसूरा मानेगा। बिल्कुल समझ गया।
चलो खेलो खेलो आपको स्कोर से अवगत करवा देते हैं। स्कोर है इस समय प्रकाश चूरू है इस समय 33 और उसके जवाब में सीकर है 14। बड़ा पास प्रदर्शन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन खिलाड़ियों से। हमारी कमेटी की कोच टीम कैप्टन से बात हुई है, बिल्कुल ठीक है, उनकी बात हमने मान ली है। लेकिन ये दोनों टीम कैप्टन खेल खत्म होने के बाद में एक बार कमेटी से मिलके जाएंगे भाई। बोनस रेडर, बोनस पॉइंट रेडर। आ जाओ आ जाओ, और बाकी सभी बाहर आ जाइए, निकल जाइए, खेल लीजिए, खटिया खा लीजिए। हमारे बीच में खुशगढ़ के पूर्व विधायक श्री श्रवण कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट थे, वो बीच में हमारे पधार चुके हैं। फाइनल मैच प्रो कबड्डी का इस टूर्नामेंट का लास्ट मैच अभी शुरू है, देखना है कौन सी टीम अपने खाते में नंबर वन पर जीत दर्ज करवाती है, टूर्नामेंट में नंबर वन पर जाती है। स्कोर सुरेंद्र ड्यूटी स्कोर है भाई, बहुत ही 36-17 चूरू 36 सीकर 17। घूमते रहे भाई, घूमते रहे। ये सर जी थ्री पॉइंट चार पॉइंट पेनल्टी 40 ऊंट वाले चूरू 40 और 19 शिखर 19 और 40 का फासला है भाई। बहुत बढ़िया, हमें खिलाड़ियों को धन्यवाद देते हैं जो आज हमारे इस टूर्नामेंट में ये पधारे, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जो इन्होंने इतना जबरदस्त फाइनल मैच दर्शकों के बीच में रखा। 19 और 42 का जो फासला है फाइनल मैच है, दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा इसको बोलते हैं फाइनल मैच। फाइनल मैच कांटे की टक्कर होती है, कांटे की टक्कर, लेकिन खिलाड़ी है, वार्तालाप हुई है उनसे, जो भी है हमारे लिए सही है, हम उनको भी शर्मिंदा नहीं करेंगे। बाईस का स्कोर शिखर और 40 का स्कोर चूरू उतर वाली फूट वालिया चूरू। 23 स्कोर है, पॉइंट की जीत है। मैं भाई साहब पुरानी जी से निवेदन करूंगा, माननीय श्री श्रवण कुमार जी मंदिर में पहुंच सके हैं, उनको लेके ग्राउंड पे पहुंचे। और ये दर्शी नंबर 14 दिनेश कुमार
जो कि शीतर की तरफ से रेड कर रहे हैं। तेईस और चालीस सत्रह अंकों का फासला शिखर के लिए। टाइम आउट लिया गया है। दस पंद्रह मिनट लास्ट। टाइम समाप्त हुआ। और ये रेड करते हुए पुरनमल जी दानियर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैच फाइनल बहुत कम समय बचा है, तो हमारे बीच में पूर्व है माननीय श्री श्रवण कुमार जी पहुंचे हैं विधायक जी। वन पॉइंट दिनेश कुमार। डू एंड डाई रेडर के लिए, डू एंड डाई करो या मरो। छब्बीस का स्कोर शिखर का, इकतालीस ऊंट वाली चूरू। इस टूर्नामेंट में जितने भी बाहर से टीमें आई उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रेड आउट बोनस पॉइंट चूरू को और शिखर को तीन पॉइंट। वन पॉइंट तियालीस उनतीस चूरू तियालीस बयालीस बयालीस सॉरी बयालीस बयालीस और तीस इकतीस बयालीस इकतीस बयालीस का स्कोर अभी थोड़ी सी। थ्री पॉइंट सुपर रेड सुपर रेड सुपर रेड शिखर की तरफ से सुपर रेड है। अभी थोड़ा सा पीछा किया है स्कोर का, थोड़ी गड़बड़ाहट दोनों टीमों के बीच में देखने को मिली है। चौतीस और बयालीस कुछ ज्यादा फैसला नहीं है स्कोर का, अगर पीछा करोगे बहुत ही।
34 4 पॉइंट और शिखर के खाते में, शिखर के खाते में 38-42 4 पॉइंट का फासला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में आपस में तालमेल करते हुए पारी मंगवा के दिया कमेटी, पारी मंगवा के दी खिलाड़ियों को। देखते हैं अभी 4 अंकों का फासला, बहुत ही बढ़िया रोचक मुकाबला टीमों के बीच में। और ये टाइम समाप्त हुआ, 42-38 का स्कोर अभी क्रम बोर्ड के ऊपर अंकित है दोनों टीमों के बीच में। 4 अंक का फासला है शिखर के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। दर्शकों के बीच में शोर शराबा होना चाहिए, टाइम आप टाइम से करवाओ। 1 पॉइंट शुरू के खाते में 43-38 5 का फासला। दो बार ऑल आउट किया है शिखर ने, लास्ट 5 मिनट दोनों टीमों के बीच में बोनस पॉइंट। अरे रुको, आप रुको, इतना जल्दी क्यों आप आ रहे हो? अरे आप रुको तो सही, एक मिनट। इसको बोलते हैं देखो रेफरी क्या निर्णय लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। 5 पॉइंट सुपर रेड, इस टूर्नामेंट की सबसे सुपर रेड है ये। 5 पॉइंट फर्स्ट खिलाड़ी के रूप में फाइट कमेटी इस रेडर को सम्मानित कर सकती है, क्योंकि इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सुपर रेड है ये। 5 पॉइंट अभी तक किसी ने निर्णय नहीं लिए है। अंकों का फैसला, सात भेजिए, 5 ले गया, 6 रह गई जी, 5 भेजिए। 48-48 टेक्निकल। अरे आप खिलाड़ी बैठ मत करो यार, हमें पता है आप हमारे बीच में पूर्व विधायक माननीय श्री शरण कुमार जी पधार गए हैं। मैं पीटीआई से निवेदन करूंगा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को हमारे माननीय विधायक जी से उनका इंट्रोडक्शन करवाए, दोनों टीमों के प्लेयर को लाइन में खड़ा करके। पवन जी हमारे बीच में श्रवण विधायक जी पहुंच गए हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन के लिए दोनों टीमों को टाइम आउट लिया गया है कमेटी की तरफ से। दोनों टीमें तैयार ग्राउंड में खड़ी हो जाए। मैं पीटीआई जी पवन जी, बजनाराम जी जो हमारे सहपाठी दौर है, उनके नाम से मैं वंचित हूँ, पूरा सहयोग करें। हमारे बीच में हमारे प्रिय नेता स्कोर है चूरू का 52 और शिखर का 40, अभी भी 12 पॉइंट लीड है चूरू के पास। और ये फाइनल मैच है, प्रमोद जी, प्रमोद जी इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अंदर गए सीधे हमारे अंदर अंदर इंट्रोडक्शन के लिए सभी खिलाड़ियों का आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां दर्शकों के। हेलो भाई साहब, हेलो पवन जी, आओ इधर आओ, पवन जी आओ, यहाँ से शुरुआत कीजिए सर जी, यहाँ से शुरुआत कीजिए, इनको आशीर्वाद। पूर्व विधायक सूरजगढ़
ये एक पहल है जी। राजस्थान से आप की में जाने की आती है ये है दोनों टीमें फाइनल के लिए इंतवारिया चुगू और सीकर के बीच, जिसमें सुखजुट के पूर्व विधायक माननीय सरवण कुमार जी समय टीम का हौसला अफजाई के लिए राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा कद है और इस समय खेल की दुनिया में करो प्रमोद जी करो तेरा है
स्कोर है 53-50 53-50 तीन पॉइंट है लीड एक मिनट और हाफ एक ना एक ज्यादा 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 डेढ़ मिनट है बहस मत करो फाइनल मैच है टाइम इतनी लास्ट एक मिनट 17 सेकंड है भाई बस मात्र एक मिनट 17 सेकंड रुक देना जितनी भी तारीफ है उतनी कम है वो हमें सुखी सीकर की ओर से एक बाद एक लगातार दिखाई जिसकी बदौलत है गजब की वापसी लेकिन थोड़ा सा और अच्छा कार्य करता है इस समय शिकार एक और पॉइंट यहाँ पे तीन अंकों की बढ़त है अभी चुरू के पास थोड़े खिला के देखिए बावन चौवन और ये फाइनल मुकाबला चूरू ने जीत लिया बहुत ही शानदार फाइनल मुकाबला है बहुत ही शानदार मुकाबला है फाइनल चूरू ने जीत लिया है।